लगे एहसास मेरे मुझसे के। हेलो डियर फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ऑसम ट्रेनिंग ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, अभी आपने स्टार्टिंग में देख ही लिया होगा या फिर स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। फ्रेंड्स, इस तरह की 3D फिट वाली स्टेटस वीडियो, लाइरिक्स स्टेटस वीडियो अगर आप भी बनाना चाहते हो, फ्रेंड्स पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों, इस तरह की एडिटिंग करने के लिए मैंने जो भी मटेरियल्स का यूज़ किया उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देन उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, डाउनलोड करने के बाद चलेंगे फोन के स्क्रीन पर, ओपन करेंगे काइनमास्टर एप्लीकेशन को और एडिटिंग करेंगे स्टार्ट। दोस्तों, ये एडिटिंग अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा, इससे हमें सपोर्ट मिलता है। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जो भी और भी इसी तरह की नेक्स्ट ट्यूटोरियल लेकर आऊँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं फोन के स्क्रीन पे, ओपन करते हैं काइनमास्टर एप्लीकेशन को। सो कि जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैं अपने काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लिया हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ ये जो क्रिएट न्यू का ऑप्शन है, इस पर सिंपली टैप कर लीजिए। टैप करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे 3.4 वाला जो रेशियो है इसे सेलेक्ट कर लीजिएगा, देन नेक्स्ट वाले ऑप्शन में टैप कर दीजिए। आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको डाउनलोड में चले जाना है। और फ्रेंड्स, डाउनलोड में मैंने एक इमेज आपको दिया, इस वाली इमेज को ले लीजिएगा। देन इसके लेंथ को स्क्रॉल करके आप उतना बड़ा कर लीजिए जितना टाइम का आप स्टेटस बनाना चाहते हैं। तो देख सकते हैं, मैं 30 सेकंड इसे कर दूँ, फिर इसके स्टार्टिंग में आ जाइए, राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पे लेयर्स पे आपको टैप करना है, मीडिया में चले जाना है। और फ्रेंड्स, जो भी इमेज आप यहाँ पर लेना चाहते हो उस इमेज ले लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं ये वाली गर्ल का इमेज ले लेता हूँ, इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दे दिया है। फ्रेंड्स, कोई भी इमेज आप लीजिएगा उसका बैकग्राउंड रिमूव होना चाहिए, इसे लास्ट तक इसके लेंथ को कर लीजिएगा। देन इसके बाद जो ट्रिमर के लास्ट में जो यहाँ पर देख सकते ट्रिमर वाले लाइन में जो ये वाला रोटेट का ऑप्शन है, इस पर टैप कीजिए, इसे फ्लिप कर लेते हैं। अब अपने इमेज के अकॉर्डिंग यहाँ पे रख लीजिएगा। देन यहाँ से बैक चलते हैं। बैक करने के बाद फ्रेंड्स, नीचे स्क्रॉल कीजिए तो क्रॉपिंग का ऑप्शन आएगा, इस पर टैप कीजिए, इसे इनेबल कर लीजिए। इनेबल करने के बाद इसके फेदर को बढ़ा दीजिएगा। और फ्रेंड्स, इसे मैं इतना तक रख लेता हूँ, जूम करने पर ये थोड़ा ज़्यादा छोटा हो जाएगा, तो इसलिए मैं यहाँ तक रख लेता हूँ। फिर इसे इस तरह से यहाँ से बैक करेंगे और ये जो एरो देख सकते हैं, इस पर क्लिक करके इसे जूम करके आप जितना बड़ा रखना चाहते हो उतना बड़ा इसे कर लीजिएगा। तो मैं इतना पे इसे यहाँ पे रहने देता हूँ, ठीक है। इसके बाद अल्फ़ा वाले ऑप्शन में चलेंगे, इसे का थोड़ा सा अल्फ़ा ऑफिसिटी जो है इसे कम कर देंगे, तो मैं यहाँ पे 75 रहने देता हूँ, सही लग रहा है अभी, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। अब इसके बाद स्टार्टिंग में आपको आना, लेयर्स पर क्लिक करना है, मीडियम जाना है। मीडियम जाने के बाद आपको डाउनलोड में चले जाना है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ये पत्थर वाला जो PNG इसे दिया है, क्योंकि इसे जो PNG हम यहाँ पे अपना मॉडल इमेज खड़ा करेंगे, मतलब बैठाएंगे, तो उसके लिए जगह होना चाहिए बैठने का। तो इस तरह से इसके लेंथ को भी लास्ट तक कर लेते हैं। इसका ज़रूरत हो तो आप यूज़ कीजिएगा, नहीं ज़रूरत होगा तो कोई ज़रूरी ही नहीं है इसे यूज़ करना, ठीक है। अब इसके बाद स्टार्टिंग में ये राइट क्लिक कीजिए, लेयर्स वाले ऑप्शन टैप कीजिए, मीडियम जाइए। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मॉडल इमेज, जो आप बॉय का इमेज यहाँ पे लगाना चाहते हैं, आप खुद का इमेज लगाना चाहते तो भी लगा सकते हैं, तो उस इमेज को सिंपली ले लीजिएगा। तो चलिए, तब तक के लिए मैं इस वाले इमेज को ले लेता हूँ, इसके भी लेंथ को लेकर लास्ट तक कर लेंगे। तो जैसे आप देख सकते हैं, इसके लेंथ को मैंने लास्ट तक कर दिया। अब यहाँ ट्रिमर के जस्ट बगल में जो ये वाला एरो देख सकते हैं, फ्लिप वाला, इस पर टैप कीजिए। टैप करने के बाद इसे आपको फ्लिप कर देना है। और फ्रेंड्स, मेरा जो इमेज है इसी के अकॉर्डिंग मैंने एडजस्ट किया, तो फ्रेंड्स यहाँ पे इस इमेज को रखते हैं इस तरह से, और फिर नीचे जो हम पत्थर वाला PNG रखे हैं उसे एडजस्ट करेंगे यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से, जैसा कि लगना चाहिए कि इसी पे बैठा हुआ है, ठीक है, इस तरह से रख लेंगे। तो ये काफ़ी अच्छी तरह से यहाँ पे एडजस्ट हो गया, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो इस तरह से आप भी एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा इस इमेज को थोड़ा पीछे करते हैं यहाँ पे, इस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी तरह से अब एडजस्ट हो चुका है। तो फिर इस तरह से आप भी अपने इमेज को एडजस्ट कर लीजिए। ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे पत्थर जो मैंने यूज़ किया वो आपको करना ही पड़े, बस आप अपने मॉडल को एडजस्ट कीजिएगा तो देखने से अच्छा लगे। अब इसके बाद स्टार्टिंग में लेयर्स वाले उसमें टैप कीजिए, मीडियम जाइए। मीडियम जाने के बाद फ्रेंड्स, डाउनलोड में चले जाइए। मैंने एक लाइरिकल्स वीडियो आपको दिया है, बट आप कोई भी लाइरिक्स वीडियो यूज़ करना चाहे तो कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, मैंने इस वाले वीडियो को ले लिया, थोड़ा आगे कीजिएगा। कोई भी आप लाइरिक्स लेते हैं, लाइरिक्स वीडियो आपको यूट्यूब पे काफ़ी सारे मिल जाते हैं, जो भी सॉन्ग ट्रेंड में चला हो उसका लाइरिक्स वीडियो ले लीजिएगा। कुछ अच्छा सा लाइरिक्स इफेक्ट वाला वीडियो लीजिएगा, जिसमें इफेक्ट थोड़ा अच्छा हो लाइरिक्स का। अब इस वीडियो का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप चाहे तो इसका यूज़ कर सकते हो। फ्रेंड्स, इससे आपको स्क्रॉल करना है, नीचे ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पर टैप करके यहाँ पे आपको स्क्रीन कर देना है, कुछ इस तरह से आएगा। तो फ्रेंड्स, लाइरिक्स वीडियो को आपको यहाँ पर रखना और इसे थोड़ा छोटा कर देते, इस तरह से यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। अब राइट क्लिक करके एक बार प्ले करके देख लीजिएगा, ये काफ़ी अच्छी तरह से यहाँ पे एडजस्ट हो चुका है। बस ऊपर वाला जो इमेज, इसे थोड़ा सा और जूम करते इस तरह से, और फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा आगे करके इसे रख लेंगे, फिर थोड़ा नीचे करके क्रॉपिंग में जाएंगे और इसे ऊपर तक यहाँ पे ले लेंगे इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से यहाँ तक ले लीजिएगा और राइट क्लिक कीजिएगा। अभी आप प्ले करेंगे कुछ इस तरह से,
काफ़ी अच्छी तरह से एडजस्ट हो चुका है। अब लेयर्स पर क्लिक कीजिए, मीडियम जाइए, मीडियम जाने के बाद आपको सिंपली डाउनलोड में जाना है। और फ्रेंड्स मैंने एक तो पार्टिकल वीडियो आपको दिया था, उस वीडियो को ले लीजिएगा। लेने के बाद ट्रिम का फुल स्क्रीन का ऑप्शन आ रहा है, इस पर टैप कीजिएगा, फुल स्क्रीन कर लीजिएगा। देन ऐसे बैक आइए, नीचे स्क्रॉल कीजिए तो ब्लेंडिंग का ऑप्शन आएगा, इस पर टैप कर दीजिए। टैप करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे सिंपली स्क्रीन कर दीजिएगा और राइट क्लिक कीजिएगा। और फ्रेंड्स आपके स्टेटस बनकर तैयार हो चुका है, आप इसे प्ले करके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमारी स्टेटस बनकर तैयार हो चुकी है, अब सिंपली इसके लास्ट में आ जाइए और देख लीजिए सारी चीज़ें बराबर या नहीं। तो यहाँ पे हमारा जो पार्टिकल एक्ट वही थोड़ा सा कम है, 30 सेकंड पे है, तो परफेक्टली हम क्या करेंगे, सबसे लास्ट वाला जो इमेज है इसे सेलेक्ट करके और इसे भी 30 सेकंड ही कर लेंगे एकदम जस्ट बराबर में। ये 30 सेकंड रखकर एक्स्ट्रा जो है उसे टर्म टू राइट ऑफ प्ले हिट कर देंगे। तो फ्रेंड्स हमारे स्टेटस बन गए, अब इस वीडियो को एक्सपर्ट करने के लिए ऊपर एक एरो देख सकते हैं, इस पर क्लिक कीजिए, क्लिक करना सेव वाले बटन पर क्लिक कर दीजिएगा, ये वीडियो आपके फोन में सेव हो जाएगी। तो दोस्तों वीडियो कैसे ले कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। तो चलिए फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।